न्यूज में आपका स्वागत है और आज रविवार के दिन हम फिर जुड़े हैं आपके साथ धर्मशाला के मौसम का हाल लेकर। आपको बताएंगे कैसा है धर्मशाला का मौसम और किस तरह की गतिविधियां जो है यहां पर चल रही हैं। आइए हम ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं धर्मशाला की और देखिए आसमान में देखिए कि किस प्रकार से जो है आसमान के अंदर जो है हल्के बादल छाए हुए हैं। नीला आकाश भी है लेकिन बादलों ने कहीं ना कहीं पहाड़ों को ऊपर से ढक लिया है। ये तस्वीरें आपको इंडिया न्यूज दिखा रहा है, धर्मशाला के मौसम को दिखा रहा है। जैसा कि हमने पिछले कल भी बताया था कि जो मौसम है वो पहले से थोड़ा गर्म हो गया है लेकिन फिर भी आज जो है बादलों की एक छटा जो है पहाड़ों के ऊपर दिख रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से जो बादल हैं वो पहाड़ों पर हल्के हल्के सफेद बादल जो है पहाड़ों पर छाए हुए हैं। सूर्य है वो भी निकल चुका है लेकिन अगर आप देखें तो सूर्य को जो है बादलों ने ढक लिया है और जो हल्की सी जो धूप है वो मौसम में ठंडक दे रही है। ये भी देख सकते हैं आप कि किस प्रकार ग्राउंड में जो है लोग यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने अपने गेम्स को यहाँ पर खेल रहे हैं। क्रिकेट का मैदान ये बना हुआ है और क्रिकेट जो है यहाँ पर बच्चों के द्वारा जो है वो खेला जा रहा है और वो अपने अपने इस गेम को एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम दिखाएंगे इस मौसम में किस प्रकार से जो है एक बास्केटबॉल का कोर्ट भी यहाँ पर है और इस बास्केटबॉल कोर्ट में जो है छात्र और छात्राएं जो है वो आपस में बास्केटबॉल यहाँ पर खेल रही हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मौसम जो है एक सुहावना बना हुआ है और सभी लोग जो है एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और इस मौसम का एंजॉयमेंट भी ले रहे हैं। ये तस्वीरें आपको इंडिया न्यूज दिखा रहा है और इंडिया न्यूज हमेशा आपको एक अच्छी और एक्सक्लूसिव चीजें तस्वीरें जो है आपके साथ जो है हमेशा साझा करता है। आप देख सकते हैं पेड़ों पर किस तरह से ग्रीनरी जो है वो छाई हुई है। अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने कोई भी अलर्ट अभी इस प्रकार से कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया हुआ है। उनका कहना है कि मौसम में जो है ना तो बहुत ज्यादा गिरावट आएगी और ना बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। और अगर पिछले कल का हम देखें तो 26.8 जो है धर्मशाला का जो है तापमान रहा और उसमें -0.3 जो है गिरावट जो है दर्ज की गई। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धर्मशाला से शशि भूषण की रिपोर्ट। धन्यवाद।